सांप नहीं ले रखा जी, हम हर रोज सांप ही पकड़ते हैं। सांप ही पकड़ते हैं। और हमें पता है कि झाड़े से सिर्फ वही लोग बचते हैं जिनको बिना जहर के सांप ने काटा है। जी जी। अगर किसी को जहरीला सांप काट गया और वो झाड़े वाले के पास चला गया तो उसका समय बर्बाद हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। और मोखरा गांव में स्नैक मैन सतीश फपड़ाना पहुंचे यहां पर। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वीडियो वायरल होती है इनकी, और एक बड़ा दावा यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर लगातार 5 से 7 दिन हो चुके हैं, एक महिला झाड़ा लगा करके एक दावा करती है कि हर बीमारी का झाड़ा लगा जाता है और बीमारी को ख़त्म कर दिया जाता है। उसी के विरोध को लेकर के, उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए मोखरा गाँव में एक महापंचायत रखी गई थी। सतीश पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे उस पाखंड को लेकर के? सतीश जी, बस जी, हम तो ये देखने के लिए आए थे, लगातार वीडियो ही देख रहे थे यूट्यूब पे। काफ़ी सारी वीडियो देखी भाई, वहाँ झाड़े से कैंसर का भी इलाज होता है भाई, दारू भी छटवाई जाती है, तो इसीलिए पता चला था भाई उसके जो पाखंड अंधविश्वास है उसके खिलाफ एक महापंचायत होगी, तो उसमें ये देखने के लिए आए थे। दावा किया था वहाँ जा करके कि मैं एक सांप ले रखा है मैंने और सांप को मैं लड़ाऊंगा यदि झाड़े से उसके जहर को ख़त्म कर दिया जाता है, ऐसी वो क्या बात थी? सांप नहीं ले रखा जी, हम हर रोज़ सांप ही पकड़ते हैं। सांप ही पकड़ते हैं। और हमें पता है कि झाड़े से सिर्फ वही लोग बचते हैं जिनको बिना जहर के सांप ने काटा है। जी जी। अगर किसी को जहरीला सांप काट गया और वो झाड़े वाले के पास चला गया तो उसका समय बर्बाद हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, और होता भी है। मैं आपको अभी तुरंत का 2 दिन पहले का केस बता देता हूँ। सिंहवारा गांव है, वहाँ एक गोस्वामी भाई है, उनको सांप ने काट लिया और वो लाडवा हिसार लेके गए झाड़े के लिए। जी जी। और लेके वापिस आए तो उसकी हालत खराब हो गई और दिखना बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल की और उस सांप की फोटो भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजी, तो मैंने देखते ही बता दिया भाई साहब ये तो बहुत जहरीला सांप है, इसके ये इंजेक्शन है, लगेंगे तो बचेगा नहीं तो मरेगा। तो उन्होंने वो इंजेक्शन लगवाए, पूरा 12 घंटे में उसको आराम आ गया, सांस की दिक्कत थी, पलकें गिर गई थी और दिखाई देना बंद हो गया था। 12 घंटे में वो अपने आप उठ के चलने फिरने लग गया। तो अभी झाड़ा कहा था कि आपने कि शायद भी झाड़ा लगा देती है तो उसके कोई आराम नहीं होगा इस प्रकार का? देखो जी, झाड़ा एक ये कुछ लोगों को मनोरोग होता है, कहते हैं भाई मैं मुझे ये दिक्कत है, ये बीमारी है, डॉक्टर से जब टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर की सलाह से रिपोर्ट में कोई बीमारी आती नहीं, तो वो तो मनोरोगी है। अब कहते हैं भाई मेरी डिस्क में प्रॉब्लम है, अब उसके जब एक्सरे वगैरह होते हैं तो उसको बीमारी मिलती नहीं, और फिर कहते हैं भाई मेरे क्या मानते पर्सनल राय क्या, वो पाखंड कर रही है सही कर रही है? देखो जी, संविधान की धारा 51 कह के अनुसार किसी को झाड़ करना, अंधविश्वास फैलाना एक कानूनी अपराध है, तो अगर कोई ऐसा भ्रम फैलाता है तो वो समाज के लिए घातक है। बिल्कुल। चल भाई, वीडियो आपने देख ले, फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जबार द्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।